बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बड़ा भाइयों की हाल चाल हैं, ठीक है। उम्मीद करना ठीक हो, सो जिथे रहो खुश रहो आबाद रहो। साड़िया दुआ हमेशा तुम्हारे नाल, अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। जिन्हें कारोबार ने अल्लाह पाक कारोबार देवे, जो बीमार है अल्लाह पाक शफा उन्होंने शफा देवे, तो अल्लाह नूं याद करके माशाल्लाह सत्तर पाई दे कबूतर कढ़न बाहर ते उपरां दाना पानी कट्ठा कर रहे हैं जी। वो भी सुबह सुबह चुग रहे हैं। और जी मुर्गा भी माशाल्लाह निकले हुआ। सुबह सुबह माशाल्लाह दाना पाने हैं जी। इत रखे हुए इन्होंने वास्ते दाने, सारे माशाल्लाह सुबह सुबह दाने चुगस। और बाकी कुछ इधर वेड़े बच्चे फिर हैं जी। हाँ जी, तो माशाल्लाह ना सुबह सुबह बेगम साहबा नाश्ता बना रही है और चाय उत्ते रखी हुई जी। हवा भी चल रही है चाय। हाँ जी, तो सारे भैणा भाइयों ने सुबह बखैर। चाय मैं जड़ी है ना नाश्ता बनांदी पई है। चाय जड़ी है ना चाय तो गई बाण। हाँ जी, और रोटियां पई सी जी रात दियां, क्योंकि सुबह सुबह नहीं बनाईयां। हाँ जी, ये गरम कर लो। यही गरम कर लेंगे। तो नूर फातिमा में जी आ गई है माशाल्लाह, मुंह हाथ धो के जी। स्कूलों जी दो तीन छुट्टियां सी इन्हां नूं। हाँ जी, और माशाल्लाह जिहड़ा ना अज ना साडे वेड़े च ना होणा लगा गा तो बहुत तेज आंदी है। तो हुण वेख सुबह इन्नी धुप आई पई वेड़े। सुबह सुबह आ खुली है जी, इतनी तेज धुप आई खड़ोती, क्योंकि अगू जे तरह ना साडे कोल छां दा बंदोबस्त कोई नहीं ना। तो इत्थे सर्दियां विच तो फिर सुकून हुंदा, क्योंकि सर्दियां विच जिहड़ा ना धुप हुंदा, धुप दी जरूरत हुंदी। और गर्मियों में तो फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना पड़ता, क्योंकि होर इस जगह को मैं तो इंशाल्लाह हाँ जी। हाँ जी, तो माशाल्लाह चाह मैं बना ली है। माशाल्लाह मैं सारे चाह नाश भी खाते पे, और मैं जी है मैं रोटी खाती पी, क्योंकि रात की रोटी पई हुई है खा लें। बाकी जो सारे बच्चे रस खाते सारे ने कर लो। बर्तन रात के भी कुछ पे हो गए ना, तो काफ़ी सारे गए ना। पहला घर का मैं एक काम कर लेनी, फिर दो तंदूर मिट्टी पई हैगी है वो भी ला लवेंगे। बस पहला ना बर्तन धो लीए, फिर कह जे बड़ा ही कह बोलता पे बचा कुछ घरा आ सकता है। तो इस वास्ते ना कह की हाल है सुबह की पई खड़ोती है। तो इस वास्ते मैं कभी पहले घर का काम कुम कर लेंगे, फिर बाद। हाँ जी, तो ना मैं बर्तन वगैरह रख आई हूँ, और मैं खाना असलम जी मुंगर मार दे भैन, देखने कितना कु मारे है मार लिया। हाँ जी, जो कल मैं लिंबिया सी ना तीन चार, उन्होंने क्योंकि इस टाइम मुंगर मारना पैंदा, तो इस वास्ते मुंगर बिल्कुल सुक्का पिया। हाँ जी, गर्मी है हुण, तो नाल टोड़े भी सुके हुए हैं। इस वास्ते ना मुंगर जड़ा गया सी ने इन्हें मार लिया है। हाँ जी, तो और थोड़ी कि दो तंदूरियों दी मिट्टी पई हुई हैगी आ, दो तंदूरियां हूँ मैं ना इन्हें लिंब लवानगी, तो फिर वेले हो के फिर काफ़ी कपड़े कुपड़े ईद के पाए होना वो भी धोने, तो घर का सारा काम करने। हाँ जी, माशाल्लाह बर्तन में धो लिया गया निके, और वे जड़े गए ना देखो अस धो लेना बखियाँ बहुत ही आई हुई हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह जो बर्तन है ना बेगम साहबा धो लैन, तो आए जो पिछली थोड़ी मिट्टी पई है ना उ। हाँ जी, और तीन तंदूरियों के लभ ही आ गई, एक हाथ एक हाथ एक हाथ तीन लभी ही आ गई। माशाल्लाह मिट्टी बिल्कुल खत्म हो गई, मौज भी खत्म हो गई है। अल्लाह पाक कर सके इंशाल्लाह हमने आज ला लेने सारी हर चीज कट कर लेने, क्योंकि ईद की वजह तो अगला मटेरियल सारा खत्म हो गया जी। वो असी बना के तो बेच लिया सी, अलहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र है कि ईद का टाइम सोहना गुजर गया सी। तो हूँ इस तो अगे जड़ा ना इंशाल्लाह आज फिर लै आने मिट्टी भी, तो मुंज भी, तो कपड़े भी ईद के काफ़ी सारे धोने वाले, वो भी मैं बेगम ने कहा भी इतने घर नहीं धोपते, क्योंकि सारे बच्चों ने भी उतारे हुए हैं, तो साढ़े अपने भी आन वो मैं चल के आ जाए टूबल तो जाके धोने। और माशाल्लाह जड़ा ना तंदूरियाँ जी आए तीन चार सात तंदूरियां माशाल्लाह जी असी लिंब लिया। हाँ जी, तो माशाल्लाह बेगम ने तंदूर तो लैन बना तैयार हो जाए, तो हूँ जरा ना मैं कह चलो आप चलीए टूबल से बिजली तो जाके ना जी आ कपड़े भी धोने, क्योंकि ईद के कपड़े जड़े ना ये काफ़ी सारे हो पैन। तो इब्राहिम वेख लो जी ना जो पिया ना धोने सारे कपड़े जड़े ना वो कट्ठे करके चलो धोने, क्यों काफ़ी दिन हो गए।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਗੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਕ ਦੋ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਸੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਲੈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਵੇ ਬਸ ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਛਾਪਰੇ ਪਾਕ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਲਿਆਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਟੂਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਟੂਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਔਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਢੇਰ ਔਰ ਬੇਗ ਸਾਰੇ ਆਣ ਪਰੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਸੁਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਧੋ ਕੇ ਆਣਗੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸ ਵਾਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਹਾਂਜੀ इस साइड तो जरा ना टूवल भी चल रहा जी और माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा खूबसूरत नज़ारा है जी टूवल का फिर पानी का जरा ना अपना ही मज़ा है खुली फिजा खुला पानी और मिठा तो साफ पानी हाँ जी तो माशाल्लाह जरा ना बेगम साहब ने कपड़े तो काफ़ी सारे धो लैन सिर्फ थोड़े जरा गए एक दो सूट वो भी दो पे करने हैं हां जी और मेरी आ टोपी भी दो छड़या हां जी तो मैं ना नाल आवा कपड़े बदल के मोड़ जाके सुफयान इधर देखो जी की कर रहा है इब्राहिम ने आ रहा ओए शैंपू भी ला वो गुंजर छन्नू और माशाल्लाह कपड़े जड़े हैं ना पता हूं पता है कि कोला से लगा तो सिर पे रख के जाने है गेम से इसका बांध के मेरे सिर पर रखो हां जी रास्ता का बीच बीच चलने हैं हां जी और एक तो छड़ा घर जड़ा ना ओ सामने नजर आंदा है इधर सीधे बनने से लागे घर है जी फिर घर जाके इंशाल्लाह बोल दे जड़े ना आसपास बढ़िया ही प्यारियां सबज सबज फसलां बहुत ही प्यारा खूबसूरत माहौल और सारी तरफ जड़े ना कणक भी माशाल्लाह बिल्कुल पक गई कुछ लोग जड़े ना हूँ कणक वढ़न लगे जी और मक्खियां भी जड़ियाँ ना सबज सबज बहुत प्यारियां हाँ जी तो माशाल्लाह घर असं पहुँचे आए हैं खूबसूरत माहौल है हम सुकने पाने जी कपड़े कपड़े मैं सुकने पा रहे और जी मैं कल त्रै चार तंदूरियां लिबिया से ना वो मैं कढ़ नहीं आई और मैंने ना सोक गया मैं चलो मूँह बाट के बना लेने क्योंकि बिल्कुल तंदूरियां खत्म हो गई अड्डा बिल आता पे इस वास्ते लेकिन लाके नहीं अजी तक आया अल्लाह करता लाके आ जाए काम शुरू करने क्योंकि साडा काम ये बंद होने लगता है अस बड़े परेशान हो जाने क्योंकि सड़क आज में हो गई काफी सारा लेट ते इस वास्ते क्योंकि हनेरा भी हो गया है और रोटियां जड़ियां ना सालन भी असं अज नहीं पकाया मैं कहा चलो कलियां रोटियां पकाने तो बनाने नाल लस्सी क्योंकि असं लस्सी ना फिर नाल कोई थोड़ी बहुत मर्चा भी बना लवेंगे और नाल मैं लस्सी बना लेनी है अज जरा ना भुख बड़ी लगी है बेगम साहब अभी अज ना काम नु लगी रही है काम दे टाइम नहीं लगा टाइम ही कोई नहीं लगा बिल्कुल ये मसरूफ फस है तो मैं कहा चलो हुन ना तंदूरी ते मार लेना नाल लस्सी बना लेना दूध दी इस वास्ते जिहड़ा ना तंदूरी विकी नहीं ते तां होया तो सालन नहीं बनाया और लस्सी ना रोटी जेड़ी ना वो आज खा लेंगे इंशाल्लाह हां जी गर्मी दी वजह तो जिहड़ा ना वो वैसे गर्मी भी आई ठंडी लस्सी चंगी होंदी है जी तो और पहना भाई की इजाजत चांदे से अल्लाह पाक खुश रखे ते आबाद रखे ते और अल्लाह पाक जिन्ना को औलाद नहीं हैगी अल्लाह पाक उनन औलाद देवे जिन्ना को कारोबार नहीं हैगे ना अल्लाह पाक उनन कारोबार देवे क्योंकि मैं असि पहना ब्राउन दुआई दे सकने हां दुआवां हमेशा दुआवां
इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी रखी तो कल जरूर मिलांगे। हाँ जी अल्लाह हाफिज़।